अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। और कॉन्फ़िगरिंग फ्रेम रिले हम लोगों ने पढ़ लिया। वैन टेक्नोलॉजी है, लेयर टू की टेक्नोलॉजी है। और फिर हमने उसके अंदर फ्रेम रिले के अंदर अब हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी इंटरफेस की, जिसमें एक था मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग इसकी लैब नहीं करेंगे, हमने मेनली लैब करनी है पॉइंट टू पॉइंट की, ठीक है। मगर मल्टी पॉइंट की मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे दी है। और उसके अंदर मेन चीज़ जो सी थी वो के नो आईपी स्प्लिट होराइजन करना है, या ताकि आपको एक ही इंटरफेस से जो सा है ट्रैफिक रिसीव करके वापस भेजने की कैपेबिलिटी रहे मेन हेड ऑफिस के राउटर में, और वो ब्रॉडकास्ट या आईपी राउटिंग अपडेट्स जो सी है वो रिसीवर सेंड कर सके। अगली कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर सिनेरियो क्या है कि ये मेरे पास हेड ऑफिस का राउटर है और वो कनेक्टेड है क्लाउड के साथ, और क्लाउड के अंदर फिर मेरे पास दो ब्रांच ऑफिसेज हैं और इन दोनों ब्रांच ऑफिसेज ने हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक हो गया। और हेड ऑफिस में से मेरे पास कुछ यहाँ पे डेटा सेंटर लगा हुआ है, तो मैंने ये राउटर से पीछे के सिनेरियोज कट ऑफ किए हुए हैं। मेनली हमने ये इन तीन राउटर्स को हेड ऑफिस के दो राउटर्स को हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट कराना है, और दैट वुड बी अवर लैब, ठीक है। ये हमारी फाइनल लैब है और ये सीसीएनए की भी आखिरी लैब है, सो वेरी मच एक्साइटेड, ठीक है। तो एक्चुअली सिचुएशन ये है कि ये जो सा है ये फ्रेम रिले का क्लाउड है, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। आप जब अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो तो आप उसे कहते हो यार मुझे दो ब्रांचेस के दरमियान कनेक्टिविटी दे दो, तो वो आपको बताता है कि यार हमारा जो क्लाउड है वो फ्रेम रिले बेस्ड है। आप कहते हो ठीक है, आप उसे बताते हो क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो कहता है अच्छा जी पॉइंट टू पॉइंट करनी है, और दूसरी बात ये है कि ये जो इंटरफेसिस हैं आपके उस पे ये वाली डेलसी कन्फिगर करनी, दैट्स इट। आपने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो और सीसीएनए के एग्जाम में भी आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। सिर्फ आपसे ये डिफरेंस पूछ सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर आप हर डेलसी के लिए सेपरेट इंटरफेसिस बनाते हो, लाइक इस डेलसी के लिए 301 डेलसी के लिए एक इंटरफेस बनेगा और 302 डेलसी के लिए एक सेपरेट इंटरफेस बनेगा, और इसमें राउटर वन के अंदर सिर्फ एक इंटरफेस बना हुआ है। और यहाँ देख रहे हो ये डेलसी नंबर थोड़े मैंने ट्रिकी वे से कन्फिगर किए हैं। अगर डेलसी नंबर 103 है तो इसका क्या मतलब है, राउटर वन से राउटर थ्री के दरमियान ये डेलसी है, और राउटर थ्री पे जो डेलसी 301 बनाई हुई है वो क्या है, राउटर थ्री से राउटर वन की तरफ। इसी तरह राउटर टू पे जो डेलसी है वो 203 है, का मतलब राउटर टू से राउटर थ्री की तरफ, और राउटर थ्री पे जो डेलसी बनी हुई है 302, इसका मतलब है राउटर थ्री से राउटर टू की तरफ। हर एंड पे डेलसी का नंबर डिफरेंट है, ठीक है, सिमिलर भी हो सकता है, वो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और अगर इन दोनों राउटर्स के दरमियान आपने डेलसी बनानी होती तो मैं उसको से नंबर दे देता 201 या 102, ठीक है, 102 यहाँ पे दे देता, 201 यहाँ पे दे देता, तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते। मगर इस सिनेरियो में ये नहीं कर रहा, हम क्या कर रहे हैं, हब एंड स्पोक के हेड ऑफिस में ही जाके सारे कनेक्ट हो। तो हेड ऑफिस में दो डेलसीज होंगी और रीजनल ऑफिसिस के अंदर, रीजनल ऑफिस टू, रीजनल ऑफिस वन के अंदर एक एक डेलसी होगी, जो ये डेलसी 203 की तरफ पॉइंट कर रही होगी कि एनी ट्रैफिक जिसने हेड ऑफिस जाना है वो 203 में जाएगी, और इसके पास से जो भी ट्रैफिक जाएगी हेड ऑफिस के लिए कहीं के लिए भी वो 103, क्योंकि इसके पास एक ही इंटरफेस है, ठीक है, समझ आ गई यहाँ पे बात। अब हम जो है इसको कन्फिगर करते हैं, और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस मैं ये करता हूँ कि सब इंटरफेस को भी नंबर यही देता हूँ, ठीक है। यानी मैंने इसके ऊपर सब इंटरफेस जो हैं, अगर मैं यहाँ पे लैब ओपन कर लूँ, ठीक है, तो ये कौन सा इंटरफेस है, सीरियल 0/0, ठीक है। और ये देख रहे हो इस इंटरफेस के ऊपर क्लॉकिंग खुद ही हो रही होती है, ठीक है, फ्रेम रिले आपको क्लॉकिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इन तमाम राउटर के ऊपर जो इंटरफेसिज हैं वो सीरियल 0/0/0 हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊँगा, लेट मी चूज द कलर, मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊँगा, उसको कहूँगा सीरियल 0/0/0.301, ठीक है, ताकि सब हर चीज़ आसान रहे, ठीक है। यहाँ 0/0/0.302, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनाऊँगा, सीरियल 0/0/0.203, यहाँ पे क्या बनाऊँगा, सीरियल 0/0/0.103। और आप देख रहे हो कि ये जो 1.1.1.1 का नेटवर्क है वो सिर्फ ये है, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक बन गया, ठीक है। और ये दूसरा जो सीरियल 0/0 है वो क्या है, 2.2.2, यानी ये एक सबनेट में पोर्शन है, ये लैग पूरी की पूरी एक डिफरेंट सबनेट में है। अगर कल को हमारे पास तीसरी ब्रांच आ जाती है, हम तीसरी डेलसी बनाएंगे, उसको कह देंगे 3.3.3.100, और ब्रांच के अंदर हम आईपी एड्रेस दे देंगे 3.3.3.100,
3.3.3 दे देंगे। चलो ठीक हो गया। तो डेल सी जितनी एडअप होती जाएंगे सब जो है राउटेड नेटवर्क की तरफ हेड ऑफिस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और फ्रेम रिले का क्लाउड इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा। ठीक है, वो कैसे करवाएगा? आउटसाइड द स्कोप ऑफ सीसीएनए। ठीक है, मेन चीज़ हमने ये देखनी है कि ये कन्फिगर करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास जी पहले हम जाते हैं राउटर नंबर 3 के ऊपर जो हेड ऑफिस का राउटर है, और मैं थोड़े कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा सा साइड पर रखता हूँ ताकि आपको ये लैब भी नज़र आती रहे। ठीक है, ताकि आपको समझ आती रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, आई होप सो। ये नहीं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, ये लो। ठीक है, यहाँ से अब आपको नज़र आता रहेगा और मैं यहाँ से कमांड्स चलाता रहूँगा। ठीक है, इनेबल मोड में गए, ऑफ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो है वो ट्रांसलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो एक्चुअली अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक सीरियल इंटरफेस के ऊपर एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले करेंगे मेन सीरियल इंटरफेस के ऊपर, उसके बाद उसके अंदर दो सब इंटरफेसेस बनाएंगे, वन इज कॉल्ड 301 और दूसरा कहलाएगा 302, और 302 को हम आईपी एड्रेस दे देंगे। मगर जब हम सीरियल इंटरफेस बनाएंगे तो उधर हम उसे बताएंगे कि ये इंटरफेस पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हम ये पॉइंट टू पॉइंट बना रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट से कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेगा कि आपका राउटर 3 से लेकर राउटर 2 और राउटर 3 से लेकर राउटर 1 तक जो सी कम्युनिकेशन है वो सॉर्ट ऑफ लीज सर्किट बने हुए हैं, मगर एक्चुअली वो लीज सर्किट नहीं होंगे, वो आपके फ्रेम रिले की पीवीसीज होंगी, क्योंकि आपने फ्रेम रिले पर प्रोवाइडर को पैसे दिए और उसे कहा भैया मुझे परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स बना दो, और उसने आपने क्लाउड के अंदर आपको पीवीसीज बना दी और आपके वैन लिंक्स बन गए। ठीक है, मैं जब ये लैब कंप्लीट कर लूँगा और आई होप सो के सक्सेसफुली कंप्लीट करूँगा, तो मैं फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि हमने इस क्लाउड के अंदर करना कैसे, अगर आपने खुद ये लैब करनी तो कैसे करेंगे। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी, मगर अगर डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ब्रीफ, तो ये देखो आपको बता रहा है कि सीरियल 0/0/0 जो है डाउन स्टेट में है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, ठीक है, क्या करूँगा, एनकैप्सुलेशन, पहले इसको नो आईपी एड्रेस भी कर देते हैं एहतियातन। ठीक है, हमें पता है कि नो आईपी एड्रेस, ठीक है, फिर मैंने कहा एनकैप्सुलेशन क्वेश्चन मार्क, और एनकैप्सुलेशन क्या करेंगे हम, फ्रेम रिले, याद है हमने पीपीपी पढ़ा था तो हमने एनकैप्सुलेशन पीपीपी की थी, यहां पर हम फ्रेम रिले कन्फिगर करें तो हमने इसकी एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसको नो शट करना है, मगर नो शट से पहले मैं क्या करूंगा, इंटरफेस सीरियल 0/0/0.301, अब ये मैं ऊपर वाला कन्फिगर कर रहा हूँ 301, और उसके बाद इंटरफेस इंटरफेस सीरियल वन, ठीक है, बाहर निकलना पड़ा मेरे ख्याल में, उस तरह भी हो जाता है। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0/0/0.301, और उसके बाद मल्टी पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट, हम यहाँ पे कन्फिगर कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एंटर। ठीक है, जब हम सब इंटरफेस के अंदर चले गए, अब हमने क्या करना है, हमने पहले से आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस, आईपी स्पेस एड्रेस क्या देंगे, 1.1.1.100। ठीक है, सबनेट मास्क क्या होगा, 24 है, 255.255.255.0। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हमने बैंडविड्थ भी देनी है, इस डेलसी को हमने कितनी बैंडविड्थ देनी है। ठीक है, बैंडविड्थ क्वेश्चन मार्क जितनी मर्जी दे सकते हो, मैं 64 kbps दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो गया, अभी आपने इसको क्या बताना है कि इस इंटरफेस के ऊपर फ्रेम रिले इंटरफेस डिफाइन अ डेलसी ऑन द इंटरफेस सब इंटरफेस। ठीक है, यहाँ मैप की कमांड नहीं देंगे, मैप की कमांड कहाँ पे देते हैं, जहाँ मल्टी पॉइंट लिंक्स होते हैं, इंटरफेस डेलसी के भाई इस सब इंटरफेस के साथ कौन सी डेलसी बाइंड करनी है जिसकी लोकल सिग्निफिकेंस है। तो डेलसी नंबर जो है वो 16 से लेके 1007 तक होता है। ठीक है, डिफाइन अ स्विच और लोकली टर्मिनेटेड डेलसी, सिर्फ लोकल सिग्निफिकेंस की। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे डेलसी नंबर क्या होगा, 301, दैट्स इट, मैं एग्जिट करूंगा। फिर यहाँ पे इंटरफेस कौन सा आप करूंगा, 302, सब इंटरफेस 302 पे जाऊंगा। अब इसको आईपी एड्रेस दूंगा, आईपी एड्रेस 2.2.2.100, सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने बैंडविड्थ देनी 64, फिर मैंने क्या कहना है, इंटरफेस फ्रेम रिले इंटरफेस डेलसी, और कौन सी डेलसी इस आईपी एड्रेस पे चल रही है, ये वाली 302, 302 एंटर।
अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या कर रहा है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो मुझे इंटरफेसेस दिखा रहा है, सीरियल 000 एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, तभी उस वजह से सब इंटरफेसेस भी डाउन है। तो मैंने क्या करना है, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 0/0/0, ठीक है, नो शट करूँगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या दिखाता है मुझे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये देखो मुझे बता रहा है कि मेरे तमाम सीरियल इंटरफेसेस अप हो गए हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंटरफेसेस क्यों अप हो गए हैं, हालांकि दूसरी साइड के इंटरफेसेस तो अप नहीं है। द रीज़न बिहाइंड कि वो वाले इंटरफेसेस इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, ये तो फ्रेम रिले के क्लाउड में कनेक्टेड है, ठीक है। शो फ्रेम रिले LMI, ओके, लिंक मैनेजमेंट इंटरफेस, ये आपको बता रहा है कि सीरियल जीरो इंटरफेस के ऊपर LMI टाइप देखो सिस्को चल रही है, ठीक है। जो फ्रेम रिले DTE यानी आपके फ्रेम रिले क्लाउड पे डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग टेक्निक चल रही होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेटस टाइम आउट देखो, ये आपको बता रहा है कि 16 उसने पैकेट भेजे और पैकेट अभी तक पहुंच नहीं रहे। उसकी रीज़न क्या है कि दूसरी साइड पे डेलसी कनेक्टेड ही नहीं है इंटरफेस, उसको डेलसी से अगली जो फ्रेम रिले के क्लाउड में जो इंटरनल PVC बनी हुई है वो कनेक्ट ही नहीं हुई, इस वजह से ये आपको यहां से पता चल जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट कमांड है, शो फ्रेम रिले PVC, तो ये बता रहा है कि फ्रेम रिले ने PVC बनाई हुई है सीरियल 3.0 सीरियल 0.0/0/301 पे, डेलसी नंबर है 301, ठीक है, लोकल है यूसेज और स्टेटस उसका एक्टिव है, क्योंकि ये फ्रेम रिले क्लाउड के अंदर वो एक्टिव डेलसी है, ठीक है। और ये देखो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, FECN BECN बिट्स जो सी हैं वो जीरो हैं, ठीक है, कि कौन से पैकेट्स जा रहे हैं, अप हैं डाउन है, क्या चक्कर है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे एंड पे ताकि हम वो बाकी डेलसीज को कन्फिगर कर सके ताकि लिंक अप हो जाए। तो सबसे पहले हम ये वाली डेलसी कन्फिगर करेंगे राउटर नंबर वन पे, तो हम राउटर नंबर वन पे आ गए, ठीक है, इनेबल किया, कॉन्फ़िग टी में गए, ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे गए, ठीक है, और एनकैप्सुलेशन कर दी, क्या थी फ्रेम रिले, नो आईपी एड्रेस की कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, मगर एहतियातन दे लो, ठीक है। आप इसको नो शर्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आपने नो शर्ट कर दिया, ठीक है। इंटरफेस सीरियल 0/0/0.103 ठीक है, सब इंटरफेस पे ले गया, हालांकि उसको मैं अगर टैप करूँ तो मुझे लेके जाना चाहिए था, लेके नहीं जा रहा, तो आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, प्रॉब्ली पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता। आईपी एड्रेस क्या दूंगा, 1.1.1.1, सबनेट मास्क दूंगा 255.255.255.0, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या रहेगी है, बैंडविड्थ देनी है, मैंने बैंडविड्थ देनी है कितनी, 64 kbps, क्योंकि मैंने दूसरी साइड पे भी 64 साइन की हुई है, ठीक है। और अब क्या रह गया, आईपी एड्रेस हो गया, बैंडविड्थ हो गया, अब हमारे पास क्या क्या रहता है, फ्रेम रिले, ठीक है, इंटरफेस डेलसी, कौन सी डेलसी हम यूज़ कर रहे हैं, 103, ठीक है, एग्जिट। अब अगर मैं शो फ्रेम रिले PVC कहूँ, तो ये देखो मेरे PVC का स्टेट एक्टिव है, वो ऑलरेडी भी एक्टिव आ रहा था, अभी मुझे ये देखना है कि फ्रेम रिले का स्टेटस जो सा मैप हुआ वो क्या है, कि भाई सीरियल 103 के ऊपर अप है, पॉइंट टू पॉइंट डेलसी है, डेलसी 103 है और ब्रॉडकास्ट है, स्टेटस डिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहले हम इस राउटर से बैठ के ज़रा पहले मैं ये वाला इंटरफेस पिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं, पिंग 1.1.1.100 और मेरी कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम राउटर नंबर टू के ऊपर जाते हैं और इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टी, ठीक हो गया, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, नो आईपी एड्रेस, एनकैप्सुलेशन, फ्रेम रिले, इंटरफेस कौन से पे जाएंगे अब, एग्जिट आके ताकि मैं हल दिखा सकूँ, इंटरफेस सीरियल 0/0/0.203, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो एरर मैसेज दे देगा, कैन नॉट क्रिएट सब इंटरफेस, उसकी रीज़न कि मैंने यहाँ पे बताना है कौन सा इंटरफेस है, मैंने कहा जी पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस बनाना है मैंने, और इस पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है कि इस पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस के अंदर जाके मैंने अब इसे आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस होगा जी 2.2.2.2, ठीक है, और सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, ठीक हो गया, और बैंडविड्थ देनी है 64 kbps,
उसके बाद मैंने बताना है इस लिंक के साथ कौन सी डेलसी लगती है, फ्रेम रिले इंटरफेस डेलसी कौन सी डेलसी होगी 203, ठीक है। और एक काम मैं करना भूल गया, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 NO SHUT, ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे बैठ के अगर पिंग करूँ किसको, 2.2.2.100 है या 1 है, 100 को, तो पिंग हो रहा है, ठीक हो गया। सो फ्रेम रिले PVC, ठीक है। और मुझे वो बता रहा है कि इस इंटरफेस के ऊपर उसने स्टेटस को, PVC के स्टेटस को एक्टिव कर दिया है, ठीक है। और आउटपुट पैकेट्स इतने हैं, कोई कंजेशन नेटवर्क के ऊपर नहीं है, ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। और शो फ्रेम रिले मैप अगर देखो तो ये बताता है कि पॉइंट टू पॉइंट डेलसी है, 203 है, उसका स्टेटस ब्रॉडकास्ट है और स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। ये डेलसी अप हुई हुई है, ठीक है, इंटरफेस अप हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आपने क्या करना है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इतनी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है कि मैंने इंटरफेस के ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो आपको ये आपकी डेलसी अप हुई नज़र आएगी, यानी आपका सब इंटरफेस अप हुआ हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस राउटर को कहूँ, राउटर टू को, क्या राउटर टू भैया क्या मैं राउटर वन से पिंग कर सकता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले इसका शो IP राउट करके राउटिंग टेबल देखते हैं, ठीक है। और इसके राउटिंग टेबल में सिर्फ एक नेटवर्क है 2.2.2 का। अगर मैं इसे कहूँ कि क्या राउटर टू राउटर वन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, पिंग करूँ अगर मैं, तो पिंग करेगा 1.1.1.1 को और पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा। द रीज़न बिहाइंड कि इस राउटर को तो पता ही नहीं है कि भाई मैंने जाना कैसे है, उसने ट्रैफिक उठा के इसके पास भेज देनी है और इसने जो है उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करना जब तक हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, ठीक हो गया। तो अब इसके ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर मैं इस पूरे क्लाउड के ऊपर, इन तीनों राउटर्स के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं, ठीक है, तो ये काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बारी बारी इन तीनों राउटर्स के ऊपर जाता हूँ, राउटर वन पे जाता हूँ पहले और इस पर रिप चला देता हूँ, ठीक है। दैट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ योर CCNA, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मल्टी पॉइंट करने के बाद हम राउटर पे स्प्लिट होराइजन डिसेबल किए बगैर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉन्फिग टी राउटर रिप, ठीक है। राउटर रिप के बाद मैं क्या कहते हैं, नेटवर्क 1.1.1.0.255.255.255.0, अच्छा सॉरी, मैं OSPF के सिनेरियो में चल रहा था, नेटवर्क, दैट्स इट, ठीक है। और राउटर टू पे भी जाता हूँ मैं और उस पे भी क्या करते हैं, कॉन्फिग टी राउटर रिप नेटवर्क 2.2.2.0, ठीक हो गया। इस पे भी रिप चल गया, अब इस पे भी रिप चलाना है क्योंकि ये दोनों लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से नेटवर्क्स पे चलाना है, वन पे और टू पे, तो मैंने कहा कॉन्फिग टी राउटर रिप, ठीक है, और नेटवर्क 1.1.1.0, और कौन से नेटवर्क पे चलाना है मैंने, 2.2.2.2.0। अब मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, शो IP राउट, ठीक है। इसके लिए तो दोनों राउटर्स कनेक्टेड ही हैं, इसके लिए देखना है मैंने, ठीक है। शो IP राउट, और देखो इसने वाला राउटिंग टेबल से राउट सेलेक्ट कर लिया है, उसे पता चल गया है कि वन का जो नेटवर्क है वो ये राउटर टू पे हूँ, यानी इस राउटर पे बैठा हुआ हूँ। इसे पता है कि वन का नेटवर्क पे अगर मैंने जाना है तो मैंने सीरियल 0.0.203 से ट्रैफिक निकालनी है और वो 2.2.2.100 की तरफ जाएगी, ठीक है। पहले ये क्यों नहीं ट्रैफिक लेके जा रहा था, क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट रूट नहीं था। अगर मैंने इसके पास डिफॉल्ट रूट हेड ऑफिस का डाला होता तो मुझे यहाँ रिप भी चलाने की जरूरत नहीं थी। तो क्या अब मैं अगर इस पर पिंग चलाऊँ 1.1.1.1 का, तो ये रिप्लाई मिलेगा। उसकी वजह ये है कि ये अब राउटिंग टेबल से अपने से कंसल्ट कर रहा है, उसका राउटिंग टेबल कहता है कि वन का नेटवर्क जो सा है इस इधर पड़ा हुआ है, और जब ये इधर आता है तो इसका राउटर इसको उठा के यहाँ से ले जाता है इस साइड पे, ठीक हो गया। अगर पहले मैं, अगर मैंने रिप ना चलाना होता तो मैं इस पे डिफॉल्ट रूट डाल देता ताकि हेड ऑफिस के पास तमाम रूट्स होते और हेड ऑफिस इसकी ट्रैफिक डाइवर्ट कर देता, दैट्स इट। ये आपका ओवरऑल फ्रेम रिले कंप्लीट हो गया है और हमारे ये CCNA की आखिरी लैब थी, हम बहुत खुश हैं आज। अच्छा, आपको पैकेट ट्रेसर की एक और खसूसियत दिखाता चलूँ कि अगर मैंने कहना है कि ये पैकेट उठा के यहाँ से यहाँ भेजे तो मैं कैसे चेक करूँगा, इस पैकेट को यहाँ क्लिक करूँगा फिर इस पैकेट को यहाँ क्लिक करूँगा, वो बताएगा कि राउटर टू से राउटर वन ICMP सक्सेसफुली ट्रेवल कर गया, ठीक है। तो आपको बकायदा पिंग चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने यहाँ से यहाँ लेके जाना तो यहाँ भी जा सकते, ठीक हो गया।
अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलो इस क्लाउड के अंदर मैंने क्या किया हुआ था। ठीक है, क्लाउड के अंदर, क्लाउड के ऊपर ना, ये यहाँ से अगर आप इस क्लाउड सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे जेनेरिक क्लाउड उठा के ले आएंगे, तो इसको जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ यूं की विंडो खुल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाके, फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंटरफेसेस लगाने होते हैं। ठीक है, वो कैसे किए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जिस्टिंग क्लाउड खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एग्जिस्टिंग क्लाउड है। कॉन्फ़िगरेशन में गया, मैंने सीरियल इंटरफेस को कहा, सीरियल वन इंटरफेस को कहा कि भैया मैंने आपके साथ अटैच किया हुआ, ये LMI की टाइप्स हैं, NC, सिस्को, Q933 है। मैं अगर डिफ़ॉल्ट सिस्को चल रहा होता इसलिए सिस्को मैंने ऐड किया। मैंने कहा कि भाई डेलसी नंबर, कौन सी डेलसी चल रही है, 103, सीरियल ज़ीरो, सीरियल वन इंटरफेस ये है, ये वाला इंटरफेस है जो ये कनेक्टेड है राउटर वन के साथ, सीरियल वन राउटर वन के साथ। और उस पर मैंने कहा कि डेलसी नंबर, लाइक मैंने कहा 555, और उसको मैंने नाम दे दिया R1 2 R2। ठीक है, ऐड कर दी। मैंने कहा 555 जो डेलसी है ना, वो R1 और R2 के दरमियान जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने एक 555 से, मैं अगर यहाँ पे एक और लिंक बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यूँ लिंक बना सकता हूँ। ठीक है, मगर वो डेलसी डेफिनेटली यहाँ से, अंदर से फ्रेम रिले से ही जाएगी। ठीक है, अब सीरियल टू के ऊपर भी मैंने डेलसी डिफाइन की हुई है। सीरियल टू पे क्या है, 203 डेलसी डिफाइन की हुई है। ठीक है, और सीरियल नंबर थ्री इंटरफेस जो सा है उस पर भी डेलसियाँ डिफाइन की है, मगर वो हेड ऑफिस जा रही है, तो उसमें मैंने बताया है 301 और 302 डेलसी, यानी इस इंटरफेस पे तुमने दो डेलसीज चलानी है। यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाता है। आगे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, जब आप फ्रेम रिले को कनेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने बताना होता है कि सीरियल वन पे जो डेलसी है, ठीक है, सीरियल वन पे जो डेलसी है उसको किस चीज़ से मैप करना है। तो आपको आगे रिप्लाई में देना होता है कि सीरियल थ्री पे, यानी सीरियल वन से जो डेलसी पे, यानी ये जो है सीरियल वन पे, सॉरी, सीरियल वन पे जो डेलसी है राउटर वन और राउटर थ्री के दरमियान, उसको कहाँ पे मैप करना है, सीरियल थ्री की राउटर थ्री और राउटर वन के दरमियान। ठीक है, ताकि जिस तरह यहाँ से ट्रैफिक आए तो ये पता चल जाए, अच्छा ये 103 से आ रही है, इसको मैंने कहाँ पे भेजना है, इस साइड पे भेजना है 301 पे। ठीक है, 302 से आ रही है तो मैंने इसको कहाँ पे भेजना है, 203 पे। ये आपकी CCNA में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ये लैब प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, बिंग ऑन सेफ साइड मैं क्या करूंगा कि ये पूरी की पूरी लैब वेबसाइट पे रख दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अनकन्फिगर्ड लैब रखूंगा मैं, कन्फिगर्ड लैब नहीं रखूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग मजीद प्रैक्टिस कर सके। कल को आपको एक और डेलसी बनानी पड़ती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और सीरियल लिंक लोगे। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और डेलसी बनानी है तो मैंने क्या करना है, 2800 का एक राउटर यहाँ पे लगाया, वैन लिंक्स में गया। ठीक है, और ये मैंने लिंक लगा दिया, सॉरी गलत लिंक है ये, वैन लिंक ये वाला है। ठीक है, इस पे सीरियल जीरो बचा हुआ है मेरे पास, हो रही, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर सीरियल इंटरफेस ही नहीं है। वेरी गुड, तो पहले मुझे राउटर ढूंढना पड़ेगा, पहले मुझे राउटर साहब के अंदर सीरियल इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो सीरियल इंटरफेस कैसे एडअप होता है वो मैं दिखा दूँ आपको। से फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ऑन दैट पोर्ट। ठीक है, अब मैं इसे जान कैसे छोड़ूँ, ठीक है छुट गई। ठीक है, मैंने इस राउटर को क्लिक किया, ठीक है, इस राउटर को डबल क्लिक किया, इसमें सीरियल इंटरफेस डालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सीरियल इंटरफेस डालने के लिए पहले इसको एक दफ़ा शट डाउन करूँगा और VIC 1T इंटरफेस जो सा है वो डाल दूंगा इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये यहाँ पे स्लॉट 3 दिखा रहा है, देख रहे हो आप, मैंने स्लॉट वन के अंदर रखना है इसको, मैंने उठा के इसको इधर रखना है। ठीक है, 12, ठीक है, इसमें रख दिया। अब इस राउटर के ऊपर सीरियल इंटरफेस हो गया, मैंने इसके सीरियल ज़ीरो को, सॉरी, मैंने इसके सीरियल ज़ीरो को इस राउटर के सीरियल 0/3/0 पे कनेक्ट कर दिया। अब इधर मैं डेलसी बना के, IP बना के, इसके अंदर फ्रेम रिले में मैपिंग डाल के, और इस पर फिर एक और सीरियल इंटरफेस बनाऊंगा ताकि वो आपस में कनेक्ट हो जाएं, और फिर ये आपस में पिंग करेंगे। इस पर रिप चला दूंगा तो ये सारे आपस में पिंग करने लग जाएंगे, सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, यानी ये हमारा फ्रेम रिले की लैब हो गई है और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमारा CCNA भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं एक सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर जो सा है वो रिकॉर्ड करूँगा फॉर द फाइनल वर्ड, क्योंकि ये जो सीरीज़ है रफली 50 वीडियोस की, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो गई हैं, दो तीन गलतियाँ जो लोगों ने पिन पॉइंट की हैं, तो मैं एक दफ़ा उसको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बाकी लास्ट वर्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।